So a lot of things had been discussed in the last class, introduction especially, and we discussed about some description about the history, how to study history, what should be the best approach, and then also we discussed about division of history, what is the scientific way to divide the history. It is actually ancient, medieval, and modern. And then we also discussed what is about CE concept, yani common era, and BCE concept, before common era. All that had been discussed in the last class. So we have to discuss now about Indian eras, yani Bharatiya era कौन कौन से थे, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं ना। यूजुअली हम लोग जो हिस्ट्री में फॉलो करते हैं वो कॉमन एरा को फॉलो कर रहे हैं, जो कि क्रिश्चियन एरा पर बेस्ड है, ठीक है। बट देर आर सम इंडियन एराज ऑल्सो, यानी भारत के एराज भी हैं और उसका भी अपना एक महत्व है, और समय समय पर उसको भी फॉलो करते रहते हैं, और कभी कभी किसी किसी जगह पर, जैसे जो पंचांग वगैरह देखते होंगे आप लोग, तो उसमें हिंदू एरा या हिंदू कैलेंडर के नाम से उसे जाना जाता है। कई बार इस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो भारत के पहले एरा में अगर जाएंगे आप, जो सबसे पहली बार कोई एरा स्टार्ट हुआ था, तो उस एरा का नाम था विक्रम एरा। इसे नॉर्मली हम लोग वीई के नाम से जानते हैं। विक्रम एरा मीन्स वीई। विक्रम एरा इज द फर्स्ट एरा ऑफ इंडिया एंड इट वॉज स्टार्टेड बाई अ रूलर हु रूल्ड ओवर जैन फॉर सम टाइम। नो वन नोज द एक्चुअल नेम ऑफ हिम, यानी उसका एक्चुअल नेम क्या था हमें पता नहीं है, बट ही डिफीटेड अ सका रूलर देयर, एंड आफ्टर डिफीटिंग सका रूलर ही स्टार्टेड दिस एरा, एंड ही ऑल्सो होल्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य इज अ यूनिक टाइटल एक्चुअली। जनरली बहुत सारे देश के राजा अपने अपने देशों में कुछ स्पेसिफिक टाइटल होल्ड करते रहे हैं। जैसे आप रोमन एम्पायर में जाएंगे तो रोमन एम्पायर के राजा जो है सीजर या कैजर की उपाधि होल्ड करते रहे। जैसे पढ़ा होगा आप लोगों ने कभी ड्रामा एक है शेक्सपियर का, जूलियस सीजर। तो जूलियस राजा का नाम है, सीजर उसकी टाइटल है, राजा की टाइटल को सीजर कहा जाता है, सीजर या कैजर ये कहा जाता है। हमारे देश में विक्रमादित्य एक कॉमन टाइटल रहा है, लेकिन ये नॉर्मली किस वजह से होल्ड किया जाता था ये जानना जरूरी है। जब कोई डोमेस्टिक रूलर जो था या लोकल रूलर जो था वो किसी विदेशी रूलर को या फॉरेन रूलर को डिफीट करता था, तो आफ्टर दैट ही यूजुअली होल्ड द टाइटल विक्रमादित्य, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट विक्रमादित्य वॉज चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त सेकेंड वॉज गुप्ता रूलर एंड ही होल्ड दिस टाइटल आफ्टर डिफीटिंग सकाज, एंड ही वॉज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकेंड। ये उससे अलग है और इसका टाइम पीरियड ही है 57 BCE। 57 BCE में ये शासन कर रहा था। इसने इस एरा को आफ्टर डिफीटिंग सकाज ही इंट्रोड्यूस दिस एरा इन इंडिया। और जब भी हम 57 BCE को देखते हैं, 57 BCE इज इक्वल टू 1 CE होता है, ठीक है, सॉरी 1 BE, एक विक्रम एरा के बराबर ये माना जाता है। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें आज की डेट में, जैसे हम इसे बदलना चाहें आज की डेट में कि कितने विक्रम एरा में हम रह रहे हैं, तो बड़ी आसानी से चीजें बदल सकते हैं, क्योंकि ईसा सन के यानी कॉमन एरा के 57 साल पहले ये शुरू हुआ था, क्योंकि कॉमन एरा शुरू हुआ 1 CE में और उससे 57 साल पहले ये शुरू हुआ था, क्योंकि BCE 57 है ये, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको है, 2024 ये CE है और इसमें 57 BCE को ऐड कर देंगे, तो जो निकलेगा उतने ही विक्रम एरा में हम लोग रह रहे हैं आज की डेट में, यानी कितना हो जाएगा ये 2081, ठीक है। तो हमारा विक्रम एरा जो आज का होगा वो 2081 होगा, ठीक है, ये वीई होगा। वी निकालने का तरीका यही होता है कि जितने भी सी हो चुके हैं, 2024 तक हम लोग आ चुके हैं, 2025 भी आएंगे, 26 भी आएंगे, तो जितने भी आएंगे उसमें सब में ऐड करते जाना है सीई को, ठीक है, वीई को, सॉरी।
तो इसको ऐड करते जाएंगे बीसीई को, तो अपने आप जो है ये निकलता जाएगा, इसी को बस करना है। ठीक है, तो विक्रम एरा जैसे आप पंचांग में देखेंगे तो ये मिलेगा आपको यहाँ पर, विक्रम एरा 2081 मिलेगा आपको वहां पर। इसी तरीके से अगले साल जब जाएंगे तो 2082 आ जाएगा ये। तो इस तरीके से विक्रम एरा निकालने का तरीका होता है। विक्रम एरा में 12 मंथ होते हैं, जैसे कॉमन एरा में 12 मंथ होते हैं जिसमें जनवरी से शुरुआत होती है, विक्रम एरा में भी 12 मंथ होते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत अलग तरीके से होती है, चैत्र से होती है। चैत्र, बैसाख, अषाढ़, सावन, भादो, सुना होगा आप लोगों ने, तो इससे होती है। और इंडियन कैलेंडर में हम लोग इसी को यूज करते हैं। हमारे कैलेंडर में भी महीनों के नाम, महीनों के नंबर जो है 12 ही है, 12 ही है, और यूरोपियन कैलेंडर में भी 12 ही है, लेकिन उनके महीनों के नाम में थोड़े अलग है, जिसको कॉमनली पूरी दुनिया में यूज किया जा रहा है आज की डेट में कॉमनली। तो इसी रेफरेंस में ये पूरा देखा गया है। तो इसको हम लोग एक थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिख लेंगे आप लोग इसमें। और इसको जो जोड़ने घटाने वाला बताया ना, ये भी आपको बना लेना था, लिख लेंगे पहले इसको। इट वॉज द फर्स्ट एरा ऑफ इंडिया, इट वॉज फर्स्ट एरा ऑफ इंडिया। लॉन्च्ड बाई एन इंडियन रूलर, इट वॉज फर्स्ट एरा ऑफ इंडिया लॉन्च्ड बाई एन इंडियन रूलर, लॉन्च्ड बाई एन इंडियन रूलर हु रूल्ड ओवर उज्जैन, लॉन्च्ड बाई एन इंडियन रूलर हु रूल्ड ओवर उज्जैन, हु रूल्ड ओवर उज्जैन। He defeated Saka ruler. He defeated Saka ruler. He defeated Saka ruler and hold the title Vikramaditya. And hold the title Vikramaditya. Hold the title Vikramaditya. And launched this era. This era. तो शासक का नाम जिसको हराया गया उसका भी नाम नहीं पता है, ना ही चलाने वाले शासक का नाम पता है। कुछ लोग जैसे कहते हैं विक्रमादित्य उसका नाम था, नाम उसका विक्रमादित्य नहीं था, इट वॉज हिज टाइटल। एंड इंडियन हिस्ट्री में कम से कम 54 से 55 विक्रमादित्य हुए हैं, यानी ऑलमोस्ट 55 विक्रमादित्य आर देयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एंड द लास्ट विक्रमादित्य इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाज हेमू, हेमचंद्र हेमू। ही रूल्ड, एक्चुअली ही वर्कड एंड अंडर सूर सुल्तान, सूर शासक जो थे ना, शेरशाह सूरी और ये सब। तो शेरशाह सूरी के बाद इस्लाम शाह आए थे, इस्लाम शाह शेरशाह सूरी के बेटे थे, उनके अंडर में वो एक मार्केट सुपरिटेंडेंट के रूप में अपना करियर शुरू करते हैं। 22 वॉर्स के विजेता रहे हैं, 23rd में उनको पहली बार हार मिली थी। ठीक है, और अंतिम विक्रमादित्य माने जाते हैं वो इतिहास के। ठीक है, 22 युद्धों के विजेता माने जाते हैं, और उनके ही जो रूलर थे उनके ऊपर जिन्होंने इन्हें अपॉइंट किया था वजीर के पोस्ट पर, उन्होंने उन्हें विक्रमाजीत की उपाधि दी थी। ठीक है, ही हैड गिवन द टाइटल विक्रमाजीत आफ्टर कंकरिंग 22 वॉर्स देयर इन द इंडिया। ठीक है, एंड आफ्टर दैट ही वॉज डिफीटेड बाई बैरम खान इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, यानी बैरम खान के द्वारा पानीपत के दूसरे युद्ध में हरा दिए गए थे वो। तो पहला एरा ये है आपका। दूसरा एरा जो आता है सका एरा, 78 CE में शुरू हुआ था। इट वॉज स्टार्टेड इन 78 CE, सका एरा। सका एरा जैसा कि आप जानते हैं कि सका, कुषाण, ये लोग विदेशी जातियां थी, और जनरली ये लोग वन बाय वन दे एंटर्ड इनटू इंडिया वाया बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया भारत से लगा हुआ वेस्टर्न एशिया का एक रीजन था, जिसे अलेक्जेंडर ने जीता था, और अलेक्जेंडर के बाद वहां पर सेल्यूकस ने कंट्रोल कर लिया था, और सेल्यूकस जब मरा तब भी उनके वंशज वहां पर शासन करते रहे लंबे समय तक। ठीक है, और वो ग्रीक्स के रूप में शासन करते रहे, बैक्ट्रियन ग्रीक्स उनको कहा जाता था। ठीक
ठीक है, बैक्ट्रिया में शासन करने के कारण से दे वर नोन एज बैक्ट्रियन ग्रीक। बट वेन चाइनीज ट्राइब, जैसे जानते होंगे चीन में एक महान दीवार बनवाई गई थी ऑलमोस्ट 2210 BCE में, और ये महान दीवार इसीलिए बनवाई गई थी ताकि विदेशी अटैक से अपने आप को बचा सके, और हमारे देश के राजा इतने महान नहीं थे, दे वर नॉट सच ए ग्रेट कि वो बाउंड्री पर कोई दीवार बनवा दे ताकि हमारे देश में कोई विदेशी एंट्री ना हो। एंड वी फेस्ड लॉट ऑफ अटैक देयर फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पासेस देयर थ्रू विच फॉरिनर्स यूजुअली एंटर्ड इन टू इंडिया, एंड ये लोग जो है एक तरीके से भारत में बड़ी आसानी से एंटर कर जाते थे। कोई सुरक्षा नहीं थी, सीमा की सुरक्षा हम करते नहीं थे, सोए हुए टाइप के लोग थे, और जब अटैक होता था तब थोड़ा जाग जाते थे फिर सो जाते थे, ठीक है, नेक्स्ट अटैक का इंतजार करते थे जागने के लिए, इसी तरीके से जागते रहते थे हम लोग। और यहाँ तक कि कुछ अटैक ऐसे हुए हमारे ऊपर जिसके बारे में तो उन्होंने लिखा भी नहीं, हमारे इतिहासकारों ने भी नहीं लिखा है कि अटैक हुआ भी था हमारे ऊपर। जैसे सिकंदर का अटैक हमारे इतिहासकारों से पता नहीं चलता, पर्सियन अटैक हमारे इतिहासकारों से पता ही नहीं चलता है। ये बाद में कुछ लिखने लगे और चीजें बदलने लगी, लेकिन स्टिल देयर वाज अ प्रॉब्लम, ठीक है, एट दैट टाइम। इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट मौर्यंस सिक्योर्ड दैट पर्टिकुलर एरिया। मौर्यों ने सबसे पहली बार सिक्योर किया था उस एरिया को, एंड आफ्टर द कोलैप्स ऑफ मौर्यन एम्पायर अगेन सिक्योरिटी वॉज लॉस्ट देयर, एंड दैट्स वाई मेनी फॉरिनर्स एंटर्ड इन टू इंडिया। इन द प्रोसेस वेन सकाज मूव टूवर्ड्स वेस्टर्न पार्ट, यानी सब लोग क्यों वेस्टर्न पार्ट की तरफ गए, चाइनीज ट्राइब थे बेसिकली और चाइना के फ्रंटियर एरिया में लोग रहते थे पश्चिमी पार्ट में, तो चाइना में नहीं जा पाए इसलिए पश्चिम की तरफ मूव करना शुरू किया, वेस्ट की तरफ। और वेस्ट की तरफ जाते जाते ये लोग इन लोगों ने ग्रीक्स जो बैक्ट्रियन ग्रीक्स थे ना उनको पुश कर दिया भारत की तरफ, और भारत ये लोग चले आए। और जब भारत आ गए तो बैक्ट्रियन ग्रीक्स बिकेम इंडो ग्रीक्स, ठीक है, और उन्होंने इंडो ग्रीक नाम से भारत में शासन किया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दैट वॉज मेनांडर, मेनांडर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर, नाम सुना ही होगा इसका, कम से कम बड़े बड़े शासकों के नाम तो सुने ही होंगे आप लोगों ने, तो ये थे। और फिर उसके बाद कुषाण लोग जिन्होंने पुश किया था सकास को, वो खुद भी चले आए और सकों को उन्होंने पुश कर दिया, सब लोग भारत में इंटर कर गए और फिर खुद भी इंटर कर गए ये लोग, इस तरीके से भारत में इंटर कर गए। और दे वर मिंगल्ड इन द इंडियन सोसाइटी, दे ऑल फॉरिनर्स वर मिंगल्ड इन द इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज में घुल मिल गए, यहीं पर शादी विवाह हुआ, यहीं पर सारी चीजें हुई। अब नो वन नोस दैट हु आर सकास, हु आर सकास, हु आर ग्रीक्स, हु आर कुषाण्स, नो वन नोस। नाउ वी आर इंडियन ओनली, ठीक है, तो हम लोग बड़े मिक्स्ड कास्ट के हैं, बहुत सारे जातियां मिली जुली हैं, बहुत सारे विदेशी, बहुत सारे, और भारत में ऐसा नहीं कि यहीं तक आए, विदेशी बाद में भी आए, हुनाज आए बाद में, और हुन्स लोग भी भारत में इंटर कर गए, एंड दे वर इंक्लूडेड इन द इंडियन सोसाइटी एज ए न्यू मेंबर इन द वर्ना सिस्टम, दे वर ट्रीटेड एज आर दे वर इंक्लूडेड इन द इंडियन सोसाइटी एज ए इन्फीरियर क्वालिटी क्षत्रियास, क्षत्रिय वर्ण में, क्योंकि ये लोग राजा की जाति से थे, तो दे वर इंक्लूडेड इन एज ए मेंबर ऑफ इंडियन सोसाइटी, कि ये लोग इन्फीरियर क्वालिटी क्षत्रिय के रूप में मनुस्मृति में शामिल किया था इन्होंने, मनु पहली स्मृति लिखते हैं भारत की, उसमें शामिल करते हैं, बातचीत करेंगे स्मृति पर भी क्या होता है ये। सका एरा जो है कुषाणों ने स्टार्ट किया था, क्योंकि सका कुषाण उसी इस आसपास के एरिया में, देवर ट्राइबल्स, बेसिकली कुषाण कोई जाति नहीं थे, ठीक है, जनजाति नहीं थे कुषाण, बेसिकली पांच जातियों में से एक थे ये। एक्चुअली इनका ओरिजिनल नाम जो था ना कुई सुवांग था, जिनको कुषाण कहा गया हमारे देश में आकर के, और ये लोग यूची ट्राइब के मेजर पार्ट के लोग थे, ठीक है, तो इनका मेजर पार्ट जो था यूची ट्राइब था, यूची ट्राइब बाद में पांच भागों में डिवाइड हुआ, उसी में से एक कुई सुवांग थे, और इन पांचों को बाद में मिलाया गया, एक किया गया, उसी में से सबसे महानतम रूलर जो कुषाणों के थे कनिष्क, जिन्होंने इस एरा को शुरू किया था व्हेन ही हैड कोरोनेशन इन 78 CE, 78 ईस्वी में उनका कोरोनेशन हुआ था राजाभिषेक, और उस वजह से इसने इस एरा को शुरू किया था उसी रेफरेंस में। इस एरा को समझने के लिए जैसे कि इसे कहा जाता है SE, सका एरा हम कहते हैं, ठीक है, और आज की डेट में कितने सक एरा चल रहे हैं, कितने में हम हैं सक एरा के अनुसार अगर जाए तो इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये ईसाई संवत के 78 साल बाद शुरू हुआ, ये पहले शुरू हुआ तो हमने जोड़ दिया, ये बाद में शुरू हुआ ईसाई सन के तो हम इसे माइनस करेंगे, यानी 2024 में से 78 माइनस कर देंगे, तो जितना आएगा उतना बचेगा ये चार। कितना आएगा, टू 11 है ना ये, हाँ तो 5 आएगा, 4 आएगा, 44 है, 1944,
चलिए 1944 में आजादी नहीं मिली थी तब तक, 46 होगा। अच्छा आजादी करीब पहुंच गए, ठीक है आप लोग जोड़ घटा लेंगे इसके अनुसार। तो 1946 सका एरा में हम लोग रह रहे हैं आज की डेट में, ठीक है ये सका एरा कहा जाएगा और ये विक्रम एरा। तो 2081 विक्रम एरा है, 2024 क्रिश्चियन एरा या कॉमन एरा है, और 1946 जो है वो सका एरा है। सका एरा नेशनल कैलेंडर में शामिल है हमारे, और इसी से नेशनल कैलेंडर हमारा चलता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो नेशनल कैलेंडर है इसी से हमारा चलता है, ठीक है तो इसको लिख लेंगे। इट वॉज स्टार्टेड बाई कनिष्का, इट वॉज स्टार्टेड बाई कनिष्का, एट द टाइम ऑफ हिज कोरोनेशन। इट वॉज स्टार्टेड बाई कनिष्का एट द टाइम ऑफ हिज कोरोनेशन, एट द टाइम ऑफ हिज कोरोनेशन। इट इज नेशनल एरा ऑफ इंडिया, इट इज नेशनल एरा ऑफ इंडिया, इट इज नेशनल एरा ऑफ इंडिया एंड द नेशनल कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना, इसको भी लिख लेंगे। नेशनल कैलेंडर इज ग्रेगोरियन कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर इज ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ये है दो एरा आपका हो गया, ठीक है तीसरा एरा एक और बता देता हूं, देन आफ्टर वी विल मूव टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज। वी हैव टू मूव टुवर्ड्स सोर्सेज, एक्चुअली सोर्सेज आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट और ये थोड़ा सा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्चुअली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि सोर्सेज का अपना महत्व है और सोर्सेज का इंपॉर्टेंस इस वजह से है क्योंकि फैक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो इसी रेफरेंस में हम लोग सोर्सेज पर बातचीत करेंगे, ठीक है। एक तीसरा एरा भी बता रहा हूँ जिसको गुप्ता एरा के नाम से जाना जाता है, एरा और भी चले थे ऐसा नहीं कि इतने ही थे, एरा और भी थे जैसे कलचुरी एरा था एक, इसके अलावा इलाही एरा था, इलाही एरा अकबर ने चलाया था, ठीक है अकबर ने चलाया था अपने समय में, तो अलग अलग समय में अलग अलग इराज चले थे। 319 CE में चला था, तो इसको हम लोग GE कह सकते हैं गुप्ता एरा, और गुप्ता एरा को आज की डेट में निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, अब समझ चुके आप लोग हैं कि अगर ये CE में शुरू हुआ तो इसका मतलब 319 ईयर्स माइनस करना है 2024 में से, तो 2024 माइनस 319 कितने आएंगे, 1705 ना, हाँ 1705 GE 1605 में, नहीं नहीं 1705 में आएगा, ठीक है सब में थोड़ी हम बोरो करेंगे जब यहाँ पर एक बच गया तो एक ही है ना यहाँ पर, इसलिए जीरो हो गया, तो ठीक है 1705 गुप्ता एरा में हम लोग रह रहे हैं वर्तमान में, ठीक है तो आजादी अभी नहीं मिली, भारत गुलाम भी नहीं हुआ था, इनफैक्ट अभी गुलामी बाकी है भारत की अब इसके अनुसार भारत को आजादी कब मिली होगी वो समझ लें आप लोग, क्योंकि 1947 में माइनस करेंगे 319 तो उस समय हमें आजादी मिली, और कुछ लोगों को आजादी 2014 में मिली थी, ठीक है वो अलग बात। तो फिलहाल मैं 1947 तक ही पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि उसके बाद आप लोग करते रहें काम अपना।